बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण बीती रात मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। रिपोर्ट्स की माने तो बीती रात दीपिका के शरीर में उलझन सी हो रही थी और जब उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी तो तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां कुछ रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस की तबीयत पहले से बेहतर है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स की माने तो दीपिका को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। हालांकि इस मामले में अब तक दीपिका की टीम का कोई बयान नहीं आया। सोमवार रात दीपिका की अचानक तबीयत खराब हुई और उन्हें अनिजी सेन की शिकायत की। उनकी हालत जब थोड़ी देर बाद ज़्यादा बिगड़ गई तो उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। लगभग 12 घंटे तक दीपिका ने अस्पताल में कई सारे टेस्ट करवाए। हालांकि इस पूरे मामले पर दीपिका, उनकी टीम या उनके परिवार के किसी सदस्य का कोई कन्फर्मेशन नहीं दिए। बता दें कि दीपिका को कुछ महीने पहले भी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। यह बात है जून की, जब दीपिका अपनी फिल्म प्रोजेक्ट के की शूटिंग के लिए हैदराबाद में थी। तब भी उन्हें दिल की धड़कन तेज होने की तकलीफ हुई थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। आपको न्यूज़ कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप भी दीपिका के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।